हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिरप के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुई, गैस की प्रॉब्लम हुई, इसमें यूज़ की जाती है। आजकल क्या है, व्यक्तियों का खाना पीना जो है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जिससे उनकी बॉडी वह पचा नहीं पाती है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति को क्या होता है, गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कि पेट साफ नहीं हो पाता है, स्टूल टाइट हो जाता है, जिस कारण स्टूल टाइट होने के कारण और भी बीमारियां घेर लेती हैं शरीर को। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसी सिरप के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुई, खट्टी डकार हुई, भूख नहीं लगती हो, उसमें यूज़ की जाती है, जिसका नाम है डेज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब इसको हम जानते हैं आमतौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से, जो कि डेज मेडिकल हेल्थ केयर द्वारा बनाई जाती है। इसकी यदि हम बात करें कि इसकी क्या MRP रहती है, तो ये अलग अलग क्वांटिटी में आती है, 130 ml में आती है, 170 ml में आती है, 230 ml में भी ये अवेलेबल रहती है। तो आपके सामने जो दिख रही है 170 ml में दिख रही है, जिसकी MRP है 70 rupees जिसकी MRP है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है ओनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो भी कितने परसेंट में आता है, MG में नहीं आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसके अंदर 8% में आता है, वॉट पर वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये जो है इसे हम कह सकते हैं एक लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव मतलब जो भी सिरप होती है, एक सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे स्टमक में स्टूल टाइट हो जाता है, गैस बनती है, उसमें यूज़ किया जाता है, जिसे हम लेग्जेटिव बोलते हैं। यदि हम इसकी बात करें कि इसके कब कब यूज़ किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज़ करना चाहिए, किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, मतलब कि पेट साफ नहीं हो रहा, दो दो से तीन दिन हो गए हैं, चार दिन हो गए हैं, दो दो तीन तीन दिन में एक बार होता है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, पेट बहुत कड़क हो रहा, टाइट हो रहा हो, भूख नहीं लगती हो उसको, मतलब कि जब गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, तो उसे क्या है, पेट साफ भी नहीं हो पाएगा, तो भूख भी नहीं लगेगी उसे, तो गैस में, एसिडिटी में इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी को खट्टी डकारें आती हैं, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिरप है, कुल मिला के आप इसे कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, गैस की समस्या में दे सकते हैं, उन्हें पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यदि हम इसकी डोज़ की बात करें, क्या इसकी डोज रहती है, यदि इसकी डोज़ की बात करें हम, तो इसकी डोज जो है व्यक्ति की हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से डिसाइड होती है, पर मैं एक आपको नॉर्मली डोज बता देता हूँ। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। जो आप सुबह खाना खाते हैं 10-11 बजे, जितनी बार भी खाना खाते हैं आप, तो आपको 10 ml सुबह और 10 ml रात को लेना है, वो भी खाना खाने के आधे घंटे पहले, बिफोर मील्स आपको लेना है, मतलब खाना खाने के आपको आधा से एक घंटे पहले आपको इसका यूज़ करना है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनमें आपको इसका यूज़ नहीं करना है, जो है 12 साल से छोटे बच्चों में इसका यूज़ आपको नहीं करना है, और 12 साल से 18 साल का जो व्यक्ति बच्चा है उसमें आप इसे ले सकते हैं 5 ml मॉर्निंग में और 5 ml नाइट में आप उसे दे सकते हैं खाना खिलाने के बाद, जिससे कि उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि हम इसकी बात करें कि इसके एलोपैथिक दवाई है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो हम बात करें कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो इसे डायरिया हो सकता है। डायरिया मतलब दस्त, व्यक्ति को लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि जब उसका स्टूल हार्ड रहता है तो स्टूल को छोटे छोटे पार्टिकल में ये दवाई क्या है, तोड़ने का काम करती है, टुकड़ों में उसे तोड़ देती है, जिससे क्या है, हमारी इंटेस्टाइन पूरी तरह से खाली हो जाती है, उससे क्या हमारा स्टूल बहुत ही पतला हो जाता है, जिससे व्यक्ति को डायरिया भी हो सकता है और स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकता है, मतलब पेट में मरोड़ भी हो सकती है, आवाज़ें आना, पेट में गड़गड़ की आवाज़ आना, मरोड़ हो सकती है व्यक्ति को। तो ये दो इसके आमतौर पर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो जब भी इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट आपको होता है, तो आपको तुरंत इस सिरप को बंद करना है, अपने डॉक्टर से परामर्श आपको लेना है। आप इसे प्रेगनेंसी में भी सेफ़ माना गया है, प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, पर आपको जब भी लेना है तो अपने गायनिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको इसका यूज़ करना है। हाइपरटेंशन का जो व्यक्ति है वह भी इसे ले सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बट जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ करते हैं उसमें आपको इसे नहीं देना है, जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनको नहीं देना है, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।